गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड हाउ आर यू? मॉर्निंग बेटा, अगले सेशन पे हम लोगों ने शरानी बुआ पार्ट का जो है क्वेश्चन डिस्कस किया था, थोड़ा बाकी रह गया था। कर कर मेरी आवाज कट के आ रही है प्रॉपर आ रही है। चलिए, तो थोड़ा बाकी रह गया था ना डिस्कस करना। यस मैम, जो दो क्वेश्चन थे उसको तो आप लोगों ने होमवर्क करके भेजा है ना। यस मैम। यस मैम। अब अगला क्वेश्चन पे हमें डिस्कस करना है, ठीक है बेटा? तो चलिए बुक शेयर करते हैं पहले आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। बेटा बुक देखिए। नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। मैम देख रही है। यही तो था डिस्कस करना आप लोगों से। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर वन और टू हो गया था है ना, कलम की सवारी का। क्वेश्चन नंबर थ्री, यस मैम, तो बताए थे ना भाषा संबंधी विशेषता क्या होती है। जैसे कहानी की भाषा बहुत ही सरल है, सुबोध है, साहित्यिक है ना, जो हमारे समझ में आसानी से आ जाती है, ये इसमें लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अगला हम देखते हैं फोर, क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। जैसे आप कविता में लिखते हो आशय स्पष्टीकरण, उसको संदर्भ प्रसंग डालते हो, ऐसे जो है गद्य खंड में भी डाला जाता है, ठीक है। यहाँ तो हम सिंपल आशय आपको बता दे रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम देना होता है, अपने एग्जामों में जब अगर आपको आशय स्पष्टीकरण आ जाए, तो जैसे आप लोग पद वाले यानी कविता में आप लोग लिखा था संदर्भ, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत संदर्भ डालेंगे, तो प्रस्तुत जो है गद्य खंड आप लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के शरानी बुआ नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके लेखक, लेखक तो है ना इसमें, लेखिका है ना, हाँ कौन है यस, लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। भंडारी। अगर एक कविता अगर में होता तो हम क्या लिखते हैं लेखिका की जगह पे? कवयित्री। हाँ कवयित्री, क्या लिखते? कवयित्री। जब कविता की व्याख्या कर रहे हो तो वहाँ कवि या कवित्री लिखते हैं, लेकिन अगर हम गद्य खंड की व्याख्या कर रहे हो तो हम वहाँ लेखक और लेखिका लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं यहाँ हम सिंपल आशय आपको बता रहे हैं, केवल आपको हेडिंग डालना रहेगा, नोटबुक पे आपको राइट करना रहेगा जितना बताते हैं हर चैप्टर का। बेटा आप लोग नोटबुक पे लिखते हो ना चैप्टर डाल के, हाँ जैसे आप क्लास रूम में हर चैप्टर को डालते थे, फिर उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर जो भी लिखना होता था लिखते थे, ऐसे ही तो लिख रहे हो ना सारा? यस मैम। यस मैम। अभी अभी आप लोगों का जो है ऑनलाइन चेकिंग हो रही है, लेकिन फिलहाल कभी 20 सच में स्कूल खुलता है तो आपके पास नोटबुक पूरा राइट होना चाहिए ना, स्पेशल रहना चाहिए कि आप बता सको। तो यहाँ पहला है, पहला का भाव का स्पष्टीकरण होगा, इसमें लेकर यहाँ बैठे बैठे बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खा करेंगे। इसका भाव यह होगा बेटा, पहले आप लिखेंगे भाव स्पष्टीकरण, हेडिंग रहेगा आपका, ठीक है। भाव स्पष्टीकरण के बाद आप लिखेंगे कि इस पंक्ति का आशय यह है कि बुआ जी ने घर बैठे ही बैठे अन्नू को पहाड़ पर जाकर क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है ना,
कैसे रहना है, इन सारी चीजों की इतनी हिदायत दे दी थी कि अनु वहां जाकर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। यानी बार बार बताती थी ना, आपने पढ़ा था उसमें बुक में, बार बार बुआ जी ऐसा करना वैसे रहना, सारी चीज बता रही थी, समझा रही थी बार बार उनको। तो वही यहाँ बताया गया है कि बुआ जी ने, इस पंक्ति का आशय यह है कि बुआ जी ने घर बैठे ही बैठे अनु को पहाड़ पर जाकर कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है ना, सारी चीजों की इतनी ज्यादा हिदायत दे दी थी कि वहां जाकर भी अनु अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस मैम। सान्विका? यस मैम। दूसरा है आपका नंबर खा, यहाँ भी आप डालेंगे आशय स्पष्टीकरण। संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। आशय स्पष्टीकरण डालेंगे और लिखेंगे, यह बात सत्य है कि हम संसार की वस्तुओं से, संसार की वस्तुएं हैं, जितना अधिक लगाव रखेंगे, है ना, जितना ही अधिक हम उसकी इच्छा रखेंगे उतना ही अधिक हमें दुख उठाने पड़ेगा, उस वस्तु को टूट जाने पर, खो जाने पर या नष्ट हो जाने पर। जैसे बुआ जी का था ना, बुआ जी प्यालियों से बहुत लगाव रखती थी, तो प्याली टूट जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ था। तो ऐसी जो संसारिक चीजें होती है बेटा, संसार की जो वस्तुएं होती है वो हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि हमें उसे लगाव जितना ही अधिक होगा उतना ही उसके बिछुड़ने से, या फिर व्यक्ति है तो बिछुड़ जाएगा तब दुख होगा, वस्तु होगी तो टूट जाएगा या नष्ट हो जाएगा तो हमें दुख होगा। ठीक है, समझ आ गई? बेटा आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? अब चलिए मानते हैं बातें भाषा की। अब तक आपने, यानी पिछले चैप्टर में आप लोगों ने सीखा था कारक के चार भेद, चार भेद के बारे में बताया गया था पिछले चैप्टर में आपको। हाँ, अब आगे जो चार भेद और बचे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। चार भेद क्या है देखिए, यहाँ चीकू, अरे बहुत मजेदार कहानी थी। चीनू, फूफा जी का पट तो बहुत मजेदार था। चीकू, हाँ सही कहा, पत्र में भाषा का प्रयोग अद्भुत था। अब आइए ध्यान दीजिए चीकू और चीनू की बातचीत में, चीनू और चीकू की पर्यतरंगी शब्दों पर ध्यान दे। यह सब संबोधन, अरे आया तो संबोधन शब्द है, और एक व्यक्ति वस्त फूफा जी का पत्र का संबंध आज बताने के लिए प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ये कारक शब्द है। कौन से शब्द है बेटा ये, जो यहाँ रंगीन आपको दिख रहा है, जो रंगीन अरे का मे का, ये सब क्या है, रंगीन शब्द कारक है। आइए अब शेष चार, चार का भेद आप जान चुके हैं, चार का भेद आपको यहाँ जानना है ना, चार कारक का भेद आप पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, उसको छोड़ के हमें यहाँ चार का जानना है, एक दो तीन चार, अगला चार आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अपादान कारक, देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं, जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से अलग होने का ज्ञात होता है ना, जिससे अलग होने का पता चलता, जिन वाक्यों से क्रिया के कर्ता या कर्म से अलग होने का पता चलता रहता है, तो वहां अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता अब तक लगा था ना बेटा निहारिका? यस मैम। पेड़ में पत्ते लगे थे, इकट्ठा थे, लेकिन पेड़ से पत्ता गिर रहा है सान्विका, तो गिर रहा है तो पेड़ से अलग हो रहा है ना, हाँ तो अलग होने के अर्थ में पेड़ से, इसका चिन्ह से है, इस कारक का चिन्ह क्या है बेटा, से है ना, कारक का चिन्ह से है, पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो रहा है। कुणाल, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ, तो पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो रहा है, तो गिरने के अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, इसका चिन्ह से है। दूसरा है संबंध कारक, कौन सा कारक है अनुप्रिया? संबंध कारक,
जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से संबंधित होने का ज्ञान होता है, यानी संबंध का पता चलता है, जिससे क्रिया के कर्ता या कर्म से संबंध का पता चलता है वहां संबंध कारक होता है। जैसे यह आम का पेड़ है, आम का संबंध पेड़ से है ना, पेड़ का संबंध किससे है, आम से, आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है, या मेरी कलम है ना, यस या स्कूल की कुर्सी है, तो का के की रा रे री है ना, ये सब जो है आपके संबंध कारक के चिन्ह है। किस कारक के चिन्ह है, संबंध कारक के, संबंध संबंध बता रहा है, संबंध कारक है ना, या आम का पेड़ है या इमली का पेड़ है, यह निहारिका का घर है, यह सालू की पुस्तक है, यह सालविका की मेज है, तो संबंध आपका बता रहा है ना, हाँ एक दूसरे का संबंध बता रहा है, तो यह संबंध कारक हो गया, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक, कौन सा कारक, अधिकरण, अधिकरण कारक जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, का ज्ञान होता है क्रिया, जो क्रिया कर रहे हैं उसका आधार क्या है, आधार जैसे यहाँ है मेज पर नाश्ता रखा है, नाश्ता रखना हमारा क्रिया के नाश्ता रखे, लेकिन उसका आधार क्या है, मेज पर हम मेज पर के ऊपर नाश्ता रख रहे हैं ना, तो पर और मैं, मेज पर नाश्ता है, अलमारी में पुस्तक है, तो पुस्तक रखने का आधार क्या हुआ, अलमारी हुआ, अलमारी में, अलमारी में संबंध को दिखा रहा है ना, अधिकरण क्या है, में पर, ठीक है, यानी उसका आधार दिखा रहा है, नाश्ता मेज पर रखा गया है तो उसका आधार मेज पर शब्द द्वारा उसका आधार दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ अधिकरण कारक है। और हम बोल रहे हैं सालू की पुस्तक अलमारी में है, तो यहाँ आधार अलमारी है, मेज चिन्ह द्वारा इंगित किया जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों जो है अधिकरण कारक के चिन्ह हुए। अब अंतिम है आपका आठवां कारक, संबोधन, संबोधन कारक जिससे संबोधन या चेतावनी का ज्ञान होता है ना, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हे राम क्या हो गया, संबोधन कर रहे हैं ना, संबोधन करे, अरे मेरी बात सुनो, शाबाश, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, चेतावनी देना हुआ, तुम्हें आज या काम करके ही जाना है ना, तो चेतावनी हो या किसी को संबोधित किया जाए, हे अरे ओ शाबाश, ये सारे चिन्ह जो है संबोधन कारक के हैं, ठीक है, जो संबंध बोधक शब्द होते हैं ना, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक शब्द अव्यय जो आप हम पढ़ते हैं शब्द विभाग में, वही चीज यहाँ कारक में प्रयोग हो रहा है, आई समझ में, हाँ चलिए अगला हम देखेंगे निम्न कारक भेदों का उनके चिन्हों के साथ मिलान करिए। यहाँ कारक, अब इसमें आपको आठों कारक आ गया है, जो चार पहले आप कर्ता कर्म करण और संप्रदान पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, आप गड़बड़ झाला वाले चैप्टर में पढ़े थे, अच्छा अपादान संबंध अधिकरण और संबोधन, चार आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसका चिन्ह यहाँ दिया गया है, अलग अलग आपको जो है सही मिलान करना है, ठीक है, सब लोग तैयार हैं बताने के लिए, एक एक हम पूछेंगे, चार कारक पहले वाला, पहले चैप्टर का चार इस कारक का चिन्ह आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है, हाँ चलिए
शुरुआत करते हैं। सौरभ कनौजिया, आप बताएंगे कर्ता कारक का चिन्ह। बताइए कर्ता ने, सानविका आप बताइए कर्म। मैम को, वेरी गुड। अनुप्रिया आप बताइए करण। करण का से के द्वारा, वेरी गुड। तनिष्का संप्रदान। मैम के लिए, वेरी गुड। अमन अपादान। यस मैम। अपादान मैम, अपादान मैम पेड़ मैम से। अलगाव के अर्थ में इससे दो बार आ रहा है, पहला करण में भी आ रहा है, दूसरा अपादान में भी। करण में होता है के द्वारा, के अर्थ में होता है, और इसमें अलगाव के अर्थ में। देवांश आप बताएंगे संबंध। अभी अभी पढ़े हो संबंध। हाँ मैम, में पर संबंध में पर है। नो मैम, अभी आप पढ़े हो मैम। मैम है मैम, मैम हे अरे, हे अरे, अच्छी बात है। अधिकरण बताएंगे कांचा। मैम नो मैम, अधिकरण नो मैम। मैम संबंध में काकी के, मैम संबंध में काकी के रारी ने है। रिवांश आकांक्षा आपको अधिकरण बताना है। मैम मैं ऊपर। यस मैम, मैं ऊपर। चलिए दिव्या आप बताएंगी संबोधन। मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम हे अरे अरे। अब बताएंगे सुषमा कर्ता। मैम कर्ता सुषमा कर्ता, जिससे पूछा जाए उसको बताना। सावित्री कर्म, सावित्री फिर से बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सावित्री, अभी भी नहीं आई आवाज। नहीं आ रही आवाज। शालू आप बताएंगी कर्म। मैम को, वेरी गुड। सचिन आप बताइए करण। सचिन तुला बताइए करण। के द्वारा, के द्वारा, के द्वारा। सचिन बेटा आप बताइए संप्रदान। सचिन बताइए संप्रदान। कुणाल कहाँ गए? कुणाल, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त कारक भेद को पहचाने पहचाने और उचित विकल्प पर गोरा बनाए। एक एक वाक्य की दो विकल्प दिए गए हैं कारक की, सही विकल्प का चुनाव करके आपको गोला बनाना है। शालू पहला वाक्य सुनिए ध्यान से। पिताजी की बहन का नाम सयानी था, संबंध है कि कर्म है? शालू मैम संबंध। पिताजी की संबंध किससे बता रहा हूँ? बहन से, वेरी गुड।
बताएंगे अमन, आखिर खाका, आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद यह राय दी कि बच्चे को पहाड़ पर ले जाया जाए। मैम अधिकरण। क्या बेटा? अधिकरण। मैम अधिकरण। वेरी गुड। अगला बताएंगे अतुल, अनु और पुष्पा जी ट्रेन से पहाड़ों के शहर गए। ट्रेन से अतुल कौन सा कारक होगा? कौन? सौरभ। सौरभ बेटा बताइए के द्वारा बताइए। हाँ कौन सा कारक होगा? कारक। वेरी गुड। हाँ चलिए देवांश आप बताएंगे। घा, फूफा जी के हाथ से 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले गिरकर टूट गए। अपादान। वेरी गुड। अपादान ठीक है। चलिए आकांक्षा बताएंगी, बुआ जी ने अन्नू के लिए हिदायतों की लंबी सूची बनाई। मैम संप्रदान। संप्रदान वेरी गुड। मैम हो गया ना ये चैप्टर आपका? मैम। हाँ बेटा। मैम गाने जाएगा। जाइए देखते हैं। गामे ट्रेन से पहाड़ों पर गए थे ना, तो इसका करण होगा ट्रेन से पहाड़ों का काम किससे हो रहा है? ट्रेन से पहाड़ जाने का काम ट्रेन से हो रहा है ना, तो यहाँ करण कारक है। कारण उसका है ना ट्रेन से, तो कारण कारण जो चीज हो करण कारक में आ गया। और कुछ पूछना है बेटा इसमें? नो मैम। नो मैम। इसको तो आप लोगों ने यही कर लिया, मिलान वाला हो गया। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको आप नोटबुक पे राइट कर लेंगे। कल आपका जो है यही आपका होमवर्क रहेगा, कल का भेजेंगे लिखकर। ठीक है? यस मैम। ये चीज बुक में ही लिखना है। यस मैम। बुक का मांग लिया जाएगा किसी दिन। ठीक है? यस यस मैम। आज करना है? आज मैम बुक वाला आज करना है। आज का तो भी आपको मिल चुका है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल गया है, कर चुके हो। आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको करना है आज, मतलब कल के लिए, कल का होमवर्क रहेगा। ठीक है? हाँ बेटा। मैम बेटा आप जो थे मुझे थर्ड में कहानी की भाषा संबंधी विशेषता आप लिखेंगे। इस कहानी की भाषा अत्यंत सरल, सुबोध और साहित्यिक है, जो हमें आसानी से समझ में आ जाती है। यह भाषा का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है ना? आई समझ में? चलिए बेटा, तो सबके समझ में आ गया है ना सारा? यस मैम। इसमें किसी को कुछ पूछा नहीं है? बुक बी। नो मैम। बुक बी में कुछ समझा दे? यस मैम। बुक बी समझा दे आप लोगों को? यस मैम। समझा देने भी समय है, मैं अगले जो है दिन आप लोगों करेंगे। ठीक है? बुक शेयर कर दे हम पहले आप लोगों। यस
हाँ चलिए आज वीडियो समझ लेना है, उसके बाद अपना बताया जाएगा तो राइट करके देना, ठीक है। कहानी दोहराए, देख रहे हो बेटा, पहला इसमें क्या है, कहानी के किस अंश या पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंद थी। इसके लिए आपको पहले आप पूरा चैप्टर शुरू से ओपन करेंगे और शुरू के ही पैराग्राफ में आपको दिखाया गया है ना, बुआ जी का समय कितनी पाबंद थी, उनके यहाँ समय पे सोना उठना टहलने जाना नाश्ता करना सारी चीजें होती थी ना, वो आपको लिख के बताना है। किसान से पता चलता है कि बुआ जी समय की पाबंद थी, अंश को आप दिखाएंगे यहाँ लिखकर, उसके बाद तब दिखाएंगे कि इन कहानी के इन पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। समय समझ में आया बेटा, पहले लिखो कि शुरू में बुआ जी का हर काम समय से होता था, समय पर, पहला कहानी के पहले ही अंश में बताया गया है कि बुआ जी का हर काम समय से होता था, समय सुबह टहलने 5 बजे उठना, फिर टहलने जाना, 8 बजे नाश्ता करना, जो भी कुछ उसमें दिखाया गया है उसको लिखोगे, फिर कहोगे इन पंक्तियों से पता चलता है कि बुआ जी समय की पावन थी। लिख लोगे ना अफसर? यस मैम। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अन्नू की बीमारी या अस्वस्थता का क्या कारण था? पहला इसमें 2 क्वेश्चन आपका है, पहला अन्नू की बीमारी का क्या कारण था बीमारी, और फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन है डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए क्या राय दी। तो पहले आप कारण लिखो। यस मैम। कोई बता पाएगा क्या कारण था अन्नू की बीमारी का? बताइए तनिष्का, सब लोग नहीं बोलो, तनिष्का बताइए क्या कारण था बेटा? मैम अन्नू की बीमारी अवस्था का कारण था मैम पाबंद, मैम जो उनकी माँ इतनी पाबंद में मतलब इतने शासन में उसे रखती थी, मैम डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए राय दी कि उसे पहाड़ों के शहर पे ले जाके उसके उसके पसंद अपने पसंद की चीजें। आप सही पॉइंट पकड़ ली हो, तो अन्नू की बीमारी का या अस्वस्थता का मेन कारण था कि आवश्यकता से अधिक दबाव, हर चीज का नियमों का दबाव उसके ऊपर था, उसकी मम्मी ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी थी समय पे उठने पढ़ने लिखने हर चीज के लिए, वह खुलकर खेल नहीं सकती थी, खुलकर हंस नहीं सकती थी, बच्चों को जब तक स्वतंत्र न रखा जाए तो उनका मस्तिष्क और शारीरिक विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है ना, तो इसी कारण वो बीमार थी, कोई भी कार्य अपने मन से नहीं कर सकती थी, हर चीज में बुआ जी की इच्छा निहित रहती थी, तो डॉक्टरों ने इसीलिए सलाह दी कि इसे बुआ जी से दूर ले जाइए, वैसे बुआ जी जहाँ जाएंगे तो बुआ जी चिपकी रहेंगी, तो इसको पहाड़ी पे ले जाके वहाँ खुले वातावरण में छोड़ दीजिए, वहाँ टहले घूमे खेले कूदे पहाड़ों की तब खुली हवा उसको लगे ताकि वह स्वस्थ हो जाए, ठीक है, राइट कर लोगे ना इसको? यस मैम। आज नहीं बेटा, आज की बात नहीं कर समझा दे रहे हैं, आज लिख पाना चाहे कल लिखना हो आपके ऊपर है, हम जब कहेंगे तब आपको इसको भेजना रहेगा, अभी आप लिख के रख लीजिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आज ही लिख के रख लीजिए, हम हमारे पास समय से आप समझा रहे हैं। तीसरा है बुआ जी के घर की कसी कसाई व्यवस्था कब और कैसे ढीली पड़ गई, कौन लोग बता सकते हैं? अनुप्रिया, सानविका, आप बेटा बताइए, सानविका, बुआ जी की कसी कसाई व्यवस्था तब ढीली पड़ गई जब भाई साहब का पद जाना शिक्षक के लिए बंद हो गया था। हाँ? मैम जब भाई साहब का पत्र आना बंद हो गया था। नहीं नहीं बेटा, पत्र आना बंद हो गया था अन्नू को। हाँ बताइए, ये भी पॉइंट सही है आपका सामने का, पत्र नहीं आए। हाँ जब फूफा जी का पत्र नहीं आया हाँ। के बारे में कुछ पता नहीं, काफी दिनों से। हाँ बेटा, काफी दिनों से फूफा जी का व्यवस्था कुछ ढीली पड़ी। हाँ, कई दिनों से फूफा जी का पत्र नहीं आया तो बुआ जी, फूफा
है ना। तो जब दुखी हुई हो तो उनकी जो कसे कसाई व्यवस्था थी समय से हर काम करने की, वो व्यवस्था ढीली पड़ गई। सान्विका भी अच्छा बताई है, सुषमा भी बताई है, मेन पॉइंट इसका यही है। इसको राइट कर लोगे ना सब लोग? तीन क्वेश्चन है, चार पांच क्वेश्चन है। चौथा है, किस दिन लेखिका को लगा कि बुआ जी की भयंकर कठोरता में भी कहीं कोपलता छिपी है। अनुप्रिया बताए बेटा। भाई साहब का पत्र आया था। नहीं बोलिए अनुप्रिया। दुनिया में नहीं रही कब लेखिका को उनके भयंकर कठोरता में भी कोमलता दिखाएगी। पहला लाइन आपका सुनाई नहीं दिया बेटा, फिर से बोलिए। और बुआ जी को आधा ही पढ़कर सोची कि अम्मू अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उस दिन लेखिका को पता कि बुआ जी के भयंकर कठोरता में भी कोमलता है। हाँ चलिए अमन बताइए आपकी क्या राय है। मैम उस दिन लेखिका को लगा कि बुआ जी की भयंकर कठोरता में कोमलता छुपी हुई है। मैम जब बुआ जी पत्र आधा पढ़ के और बुआ जी को लगा कि अन्नू अब इस दुनिया में नहीं रही, तब लेखिका को लगा कि बुआ जी के अंदर कोमलता है। हाँ बेटा सही आपका भी। हाँ सान्विका आप बताइए। सान्विका आप बताइए। मैम लेखिका को मैम तब लगा कि मैम बुआ जी की कठोरता में भी कोमलता है। मैम जिस दिन बुआ जी ने आधा पत्र पढ़कर रोने। हाँ बेटा कनिष्का आप बताइए आपकी क्या राय है। कनिष्का मैम उस दिन लेखिका को लगा कि भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है। जब भाई साहब का पत्र आया तो उन्होंने आधा ही पढ़कर रोने लगी। हाँ बेटा सब लोग सही बता रहे हो, लेकिन पॉइंट को आगे पीछे करके बता रहे हो। पहले आप लिखेंगे जब फूफा जी का पत्र आया और उसमें उसने प्याले टूटने की बात इस तरह से लिखा था, जिससे पढ़कर बुआ जी को लगा कि वह मन अन्नू इस दुनिया में नहीं है और वह खूब रोने लगी थी। तब लेखिका को पता चला कि उनकी भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी हुई है। ठीक है बेटा, सब लोग का पॉइंट सही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा होता। चलिए अगला, पत्र की अंतिम पंक्तियां सुनकर मानो बुआ जी को स्वर्ग की नींद मिल गई थी, कैसे? स्पष्ट है बताइए बेटा। सान्विका तो बेटा आज का सेशन जो है यही हम एंड करते हैं। समय समाप्त होने हो चुका है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जो पढ़ाया गया उसमें समझने में? नो मैम। नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो ठीक है बेटा, मिशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अपने बुक में लिख लीजिएगा, जब कहा जाएगा तब आप भेजिएगा। ठीक है, तो अगले दिन हम फिर जो है चैप्टर और क्वेश्चन पे अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। यस मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय।